हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी जिम अभी स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? क्या आप बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है कि अरे यार क्या करूं, कौन सा एक्सरसाइज करूं, कौन सा वर्कआउट करूं, और ये क्या है यार, ये क्या है, इससे क्या करते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ हुआ है, ये बहुत हुआ है। इससे क्या करते हैं, सो जाओ, गया, चलो सो ही जाती हूँ। फिर तो सोते भी नहीं बन रहा है, क्या करूँ, इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या मशीनें हैं, तो कुछ इस तरीके से फील आ रही है मुझे ना, कि क्या ही बताऊँ, लेट हूँ, सो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये क्या है यार, गोल गोल सिर पे मारूँ या नीचे रखूँ, क्या करना है, छोड़ो ये भी नहीं कर सकती हूँ। अब ये बॉल है, अरे यार ये तो बॉल नहीं, मुझे लगा क्रिकेट खेलने वाला बॉल है या बास्केट बॉल है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इससे भी कुछ भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। लास्ट में मैंने डंबल देखा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट किया, हिंट किया, ट्रेनर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आर्म्स के लिए आप कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करिए। तो बिल्कुल आपको भी जब स्टार्टिंग में कुछ भी मशीन का यूज़ करने नहीं आ रहा है तो उसे मत करिए, पहले तो ट्रेनर से पूछ के करिए। वहाँ पर होते हैं, आपको एक बार हिंट दे भी देंगे, बता देते हैं। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप फनी फन वे पे अगर कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करते रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और कैलोरी भी बहुत जल्दी बर्न होगी। और ये देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे हैं जो मैं फन वे में करती हूँ। और सबसे पहले आप जिम जा रहे हैं, सबसे पहले तो फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, दो तीन चार फ्रेंड सर्कल बना के रखिए। उससे होगा कि आप जब एक्सरसाइज करते रहेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे ना, जिम जाएंगे ना, बहुत ही एनर्जी फील होगा, बहुत ही मजा आएगा। और उनके साथ आपको कंपनी मिलेगी, कंपनी मिलने के साथ साथ आपको वर्कआउट करने में आने में बहुत मजा आएगा। अकेले ऐसा एटीट्यूड दिखाते हुए और अकेले करके जाओ, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये पूरा मल्टीपर्पस मैं आपको वर्कआउट दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ में कर रही हूँ और मजा भी आ रहा है। आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्लिक किया हुआ है, जो कि ये बॉक्सिंग है। और खास करके हर डे के लिए आपको अलग अलग वर्कआउट करना होता है। लेग डे के लिए आपको, वैसे ये लेग डे के लिए मैंने, आज सैटरडे था मेरा, सैटरडे को वर्कआउट हो रहा है और ये वीडियो भी शूट मैं सैटरडे को कर रही हूँ, जो कि लेग प्रेस है ये मशीन। और मुझे भी ये बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब मैंने ये सब चीज़ें सीखा है और धीरे 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 आपका वेट लॉस होगा। आप अगर सोच रहे हैं वेट लॉस करने की और सोच रहे कि बस मैं जिम जाऊं और जिम जा कर के बस दो महीने के अंदर मैं पतला हो जाऊं, एक महीने में पतला हो जाऊं, कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा करिए, सबसे पहले उस माहौल में ढलिए और धीरे धीरे आपको वो मशीन एक्सेप्ट करना सीखेगी, आप उसे एक्सेप्ट करना सीखेंगे, आप वो मशीनें चलाना सीखेंगे, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ आने लग जाएगी। और आपको खुद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना होता है ना, फोकस करना होता है डाइट पे। ठीक है, आप एक्सरसाइज कितना भी कर लेना, पतले नहीं होने वाले। ठीक है, मेन फोकस आपको डाइट पे करना होगा। और यहाँ पर मैंने ये वाला जो मशीन आप देख रहे हैं ना, स्क्वाट के लिए ही है, लेग डे था मेरा तो ये स्क्वाट, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, लेग प्रेस भी हो रहा है तो ये मशीन मैंने प्लेट्स लगा करके, अगर आपको बनता है प्लेट लगा के करते बनता है तो आप करिए। मैंने भी यहाँ पर पूछ करके कर रही हूँ, ट्रेनर के सहारा लिया है मैंने और ट्रेनर के सहारे से ही मैंने ये किया। मुझे अच्छे से पोजिशन लेने नहीं आ रहा था, बैंड बहुत गलत तरीके से कर रही थी, बैंड गलत तरीके से कर रही थी, जिससे मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ बैंड ना हो जाए और कहीं क्रैक ना हो जाए। तो उसके लिए भी फिर मैंने प्लेट्स हटाए, उन्होंने बोला प्लेट्स हटाओ और अच्छे से डाउन होना है, समझ रहे हो, और ध्यान से होना है अच्छे से और अप डाउन करते रहना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आपका
लेग्स मसल्स बनेंगे, ठीक है। तो वो मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया। ये फंस गया। ये दूसरा है जिसे मैंने लेग डे के दिन करती नहीं हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये चेस्ट प्रेस होता है उस दिन मैं ये से करती हूँ, और सब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये जो 6 दिन होते हैं मैं हर दिन अलग अलग अपना रूटीन बना के करती हूँ, और मेरे ट्रेनर जिस तरीके से बोलते हैं मैं वो फॉलो करती हूँ। तो आप भी अगर नहीं आ रहा है पहले तो ट्रेनर रख लीजिए, 1 महीने 2 महीने आप पूरा मशीन पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। वरना आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ सोचेंगे मेरे को आ जाएगा, दूसरों को देखते देखते इतना ध्यान नहीं देते ट्रेनर लोग। आप एक बार ट्रेनर रखेंगे आपके ऊपर वो ध्यान भी रखेंगे और आप अच्छे से कर भी पाएंगे, और वेट लॉस में आपका बहुत हेल्प भी होगा, जिससे आप गलत पोजीशन गलत वर्कआउट नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ मालूम हो जाएगी। हाई वेट आपको कभी भी नहीं उठाना है, कभी भी आपको लगता है कि मैं हाई वेट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर हाई वेट कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो ये मशीन भी चेस्ट प्रेस पे काम आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चेस्ट प्रेस अगर जब भी मैं करती हूँ ना तो मेरा बैक पेन ठीक हो जाता है यार, बहुत ही रिलैक्स फील होता है और बहुत ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज है। ये मशीन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देख रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।